आज जो हमारे पास सेट रहने वाला है वो 12 है, जो कि एक्सीडेंटल केस है। इस रिकवरी मोड पर कस्टमर का सेट तीन तरीके से रिपेयर हो सकता है, या तो आप डायरेक्ट आप उसे फ्लैश मार दें। 12 में जब भी आप नेट चेंज करेंगे तो उसमें आपको क्या फ़ोन जो स्टार्ट करेगा वो DFU पे स्टार्ट करेगा, यानी डजेंट मैटर फॉर्मेट हुई भी है दूसरे फ़ोन की नेट है। तो अभी हम पहुंच गए कहां पर? हेलो दोस्तों, एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हमारे पास सेट रहने वाला है वो 12 है, जो कि एक्सीडेंटल केस है। इस तरह से हमें नहीं पता इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी आपके साथ ही लाइव करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है और हम इसे कैसे रिपेयर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो देखना पड़ेगा जब आप वीडियो को लास्ट तक एंड करेंगे। स्टार्ट करें भाई। जी सर। पता तो आपको है ही कि सेक्शन वाइज रिपेयरिंग तो है नहीं, ये ऑलरेडी पहले से डेड है। कस्टमर ये तो बोल रहा है कि स्पीकर नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा। कस्टमर बोल रहा है सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट चाहिए कि DC की, तो DC पे लगा के देख लें एक बार। फोन नजर आ रहा है सभी को यहाँ पर? ये लो अभी सही है, DC भी नजर आ रही होगी उधर। ऑटो एम्पियर तो है नहीं इसमें, है नहीं? ट्रिगर करके देखते हैं। 138 मे बी ऑन हो जाए। 300, 200। देखो इसकी रीडिंग क्या करी, इसने क्रॉस किया 200 250 तक और फिर 300 गया, फिर से फॉलो करना है DC को। देखना फर्स्ट बूट सेकंड बूट बताया था मैंने आपको, 200 तक आपको सेकंड बूट बताया होगा, फर्स्ट बूट बताया होगा क्या 80 डब्बे क्रॉस करता है तो फर्स्ट बूट कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें देखना क्या हो रहा है, एप्पल लोगों ही बताया कहाँ से स्टार्ट होता है बंदा, 200 से। ये क्रॉस किया 270, 275 और फिर ये किस पर आ गया, 120 पर आ गया, 120 पर आ गया फिर से, है ना? इससे आगे क्रॉस नहीं कर रहा है। सिस्टम पर लगा के देखें एक बार, हमें तो पता ही, हमने चेक तो कर ही रखा है ना, ऐसा तो नहीं प्लान ही पहले से कर रखा है पूरा सेट? कभी सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो में एक आध फ्लैशिंग व्लैशिंग कर देंगे, पहले से तो नहीं कर रखा ना? चलो देखो, साउंड तो आई लेकिन यहाँ पे ड्रॉप नहीं गिरा, ये 180 ड्रॉप गिर जाना चाहिए था, ये 0-0 हो जाना चाहिए था। और मैं देख लेता हूँ 3 टूल्स पे मेरा फोन बंद कर आ रहा है या नहीं। देखो फोन यहाँ पर बंद कर भी आ रहा है, यानी फोन किस पर है, रिकवरी मोड पर है। ठीक है, इस रिकवरी मोड पर कस्टमर का सेट तीन तरीके से रिपेयर हो सकता है, या तो आप डायरेक्ट आप उसे फ्लैश मार दें, क्या कर दें, फ्लैश करने से भी ठीक हो सकता है, लेकिन कई बार कस्टमर का डाटा उसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा ये होता है कि हमें डाटा भी उसका सेव करना होता है। कुछ कंडीशन में डाटा सेव कर भी सकते हो, जैसे आपके पास कोई सेट आया बिफोर पावर शॉर्ट में, आफ्टर पावर शॉर्ट में, ओपन करंट में, या CPU डिस्कनेक्ट में, यानी लो बूटिंग में, इन सब कंडीशन में, या रैम के कंडीशन में, इन सब कंडीशन में आपका डाटा सेफ रहता है, डाटा लॉस नहीं होता है। फंसता कहाँ पर है आदमी ज़्यादातर, जहाँ पर उसका सेट डंडी पर बनकर आ जाए। तो जब आपका फ़ोन डंडी पर बनकर आता है यानी रिकवरी पर आता है, तो इसके अलग अलग मॉडल में अलग अलग सिम्टम्स भी है, जैसे आईफोन X, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, इन 6 में से जो लास्ट के दो मॉडल मैंने बोले 11 Pro, 11 Pro Max, इन दो मॉडलों में एक कॉमन प्रॉब्लम आएगी, चलते चलते सेट जो है ना एप्पल लोगो ब्लिंक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एप्पल लोगो ब्लिंक में आ जाएगा। जब जैसे ही ब्लिंक में जाएगा तो वो पूरा बूट नहीं होगा, अब वो चला जाएगा सेट किसके पास, रिपेयरिंग करने वाले के पास। जो सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं वो एप्पल में देखा होगा आपने, सॉफ्टवेयर करने वाले बंदे अलग होते हैं और हार्डवेयर करने वाले बंदे अलग होते हैं। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो एंड्रॉयड का काम कर रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर भी करते हैं एप्पल का, उन्हें 3U Tools और iTunes पता है, तो वो इतना काम कर लेते हैं, फ्लैशिंग करना जानते हैं, तो वो क्या करते हैं फोन को रिकवरी पर लेके चले जाते हैं। किस पर लेके चले जाते हैं भाई? रिकवरी पर ले जाके फ्लैश मारने की ट्राई करते हैं। अब फ्लैश मारेगा तो उसमें एक एरर बन जाएगा 19 पर आकर। किस पर एरर बन जाएगा? 19 पर। आपको क्या लग रहा है? नैंड की प्रॉब्लम है, ऐसे लग रहा है ना, क्योंकि उसने सेट नहीं खोला है अभी। जबकि आपके पास इन मॉडल में से कोई सा मॉडल आता है तो इसमें एक लाइन है I2C की लाइन, जो कि I2C 3 होती है, और वो उस वक्त
I2C की लाइन जो है ALS के पत्ते में भी जा रही होती है, जो आपका फ्लड सेंसर होता है उसमें भी जा रही होती है। तो अगर फ्लड सेंसर में पानी आ जाता है, जैसे यूजर यूज कर रहा है बार बार डिस्प्ले कान पे लगा रहा है फोन सुनने के लिए, तो काफी सेंसिटिव होता है, उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें पानी आ जाएगा, तो आपका सेट जो है बूट लूप में चला जाएगा। ऐसे कस्टमर का बूट लूप में था, लेकिन उसे रिकवरी में कौन ले गया? दुकानदार। दुकानदार ने जब उसे फ्लैश मारा, जब तक 18 तक फ्लैश मारा तब तक डाटा नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। कितनी बार? 18 तक कोई डाटा नहीं जा रहा है, 19 से नैंड में डाटा चढ़ना स्टार्ट होता है, उसमें फर्मवेयर स्टार्ट करता है वो। तो अगर आपका 18 से पहले पहले 18 तक आपने फ्लैश कर रहा है और आपका एरर मार गया, तो उसका मतलब उसका डाटा भी सेफ है, डाटा नहीं गया। अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आता है जो डंडी पर है डायरेक्ट, और उसका आपने फ्लैश कर रहे हैं, जो कि हम डायरेक्ट फ्लैश नहीं करते, आपके पास डायरेक्ट आया, तो सबसे पहले उसका ALS पत्ता दिख रहा है आपको, जो स्पीकर वाला पत्ता होता है, वो हटा देना है। क्या कर देना है? हटा देना है। कई बार उसके हटाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको आगे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसका क्या चलना बंद हो जाएगा? जैसे आप ALS का पत्ता हटाएंगे तो क्या बंद हो जाएगा? फेस आईडी नॉट अवेलेबल चली जाएगी और ट्रूटोन। तो आपको अगर इसे ठीक करना है, तो एक तो ये सलूशन है कि कस्टमर ने दिया सिर्फ डेड और डाटा के साथ मांग रहा है, तो आपने दूसरा ALS लगा के मार्केट का उसे दे दिया, उस कंडीशन में उसका स्पीकर भी चल गया, सेट भी चल रहा है। लेकिन अगर कस्टमर कह रहा है फेस आईडी भी चलानी है, तो आपको उसी ALS को रिपेयर करना होगा। तो आपको दो दो तरीके बताए ट्रांसप्लांट के, या तो आप उसे ट्रांसप्लांट करेंगे या अनबाइंडिंग करेंगे। इसमें आपको अनबाइंडिंग तक की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसप्लांट से ही काम चल जाएगा। इवन ट्रांसप्लांट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। ALS होता है, ALS का फ्लड देखा है आपने, उस पर फ्लक्स लगा के हल्का सा गर्म कर दो, ड्रायर से भी गर्म करोगे ब्लोअर की जगह, तब भी काम बन जाएगा। उसमें से सिर्फ पानी हटाना है आपको, और वही पत्ता आपका क्या चलने लगेगा? काम करने लगेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोबारा जब आप वो पत्ता लगाएंगे उसमें फोन पे, जैसे फोन तो ऑन हो गया, जैसे आपने वो पत्ता लगाया फिर से फोन क्या होने लगा? ब्लिंक पे आ गया, एप्पल लोगो ब्लिंक पे। तो आपको अगर वो एप्पल लोगो ब्लिंक हटाना है, तो उस ALS पत्ते को फिर से हटाया आपने। अब हटा के तो कस्टमर को नहीं दे सकते ना, या दे सकते हो? क्या करना होगा? फिर लगाना होगा। अब वो ही लगाते ALS लगाते क्या हो रहा है? फोन ब्लिंक पे जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा ALS लगाना पड़ेगा। अब दूसरा ALS लगा रहा, तो प्रॉब्लम एक और आ रही है, क्या? कि उसका फेस आईडी नहीं चल रहा। तो आपको वही वाला ALS रिपेयर करना है उसका। तो उस ALS में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये ब्लिंक मार रहा है? तो उसमें पानी आ गया। आपको उस फ्लड को साफ करना है, क्लीन करना है, या तो ट्रांसप्लांट उठा के दोबारा से साफ करके दोबारा उसी पे लगा दो। कई बार वहीं से सक्सेस हो जाएगा, कई बार आपको उठाना भी नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ केमिकल डाल के या फ्लक्स डाल के हल्का सा उसे आयरन पे अगर ऐसे रख के गर्म भी करोगे तब भी हो जाएगा, ब्लोअर से करोगे तब भी हो जाएगा। तो आपको स्पेशली केस ध्यान रखना है 11 Pro 11 और 11 Pro Max या XS, इन सेटों में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ALS पत्ता के शॉर्ट होने से आपका सेट जो है एप्पल लोगो ब्लिंक पे चला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेट का ALS हटाना और देखना है, फिर वो नॉर्मल बूट हो जाएगा, पासपोर्ट पे आ जाएगा सेट कस्टमर का। और अगर आपको उसे ठीक करना है ALS को, तो आपको वो ट्रांसप्लांट कीजिए या तो, या अनबाइंडिंग कीजिए, या उसी को गर्म करके देखिए। समझ गए यहां तक? चले आगे। अभी इसकी स्क्रीन भी नहीं आ रही है, स्क्रीन दूसरी लगा के देख लें। एप्पल लोगो रिकवरी पर है यहां पर, और इस फोन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन आनी चाहिए थी। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसकी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही, जबकि हमारे पास जो स्क्रीन है ये कनेक्ट डिस्प्ले दूसरे वाली जो लगाई हमने, ये स्क्रीन ओके है। पहले इसके डिस्प्ले कनेक्टर की GR ले लें एक बार, कहीं वहाँ से हमें कोई हिंट मिल जाए, क्योंकि ग्राफिक भी नहीं आ रही ना, क्या पता वहाँ के हिंट से हमारा काम बन जाए। चले पहली बताओ, बस GR बोलिए है या नहीं, दूसरी, तीसरी, ठीक, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवी, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, चौदहवीं हाई GR है, ठीक है, 15वीं, ठीक, 16वीं, 17, ठीक है। अब उसी साइड से नीचे आ जाओ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवी, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं,
पंद्रह, सोलह, सत्रह, इसमें तो कोई हिंट नहीं मिला। टच पे आना है इसके नीचे वाले पे, इधर से चेक करूं, इधर से करूं, ऊपर से, यहां से, यहां से देखो, यहां से, इसमें कोई ग्राउंड नहीं है शायद, मुझे जहां तक पता है इसमें कोई भी पिन ग्राउंड नहीं है ना, तो है नहीं, कोई भी ग्राउंड नहीं ना। हाँ, एक ऑयल मिलेगा बस इसमें, पहला जीआर, दूसरा जीआर, दूसरा ऑयल है क्या? मैं ऊपर से चेक कर रहा हूँ, दूसरा भी जीआर, तीसरा भी जीआर, जीआर चौथा भी जीआर, पांचवा भी, छठा, सातवा, आठवा, ठीक है, इधर कोई भी ग्राउंड नहीं है ना, कोई ऑयल है, पहला जी आर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नवा, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला। यहाँ पर दो कॉयल तो ये हैं और दो कॉयल सप्लाई है, ये आ गई है। अच्छा, ये ग्राफिक की है और इसमें ग्राफिक की कॉइल लगी हुई है इसके अंदर, इधर इसके एंड को निकालना पड़ेगा अभी अपने को, फिर देखते हैं इसके अंदर, कॉइल तो टूटी हुई नहीं है। और इसके पीछे बिल्कुल जगह है, इसके पीछे तो कुछ नहीं दिखा, ठीक है, चलो कैन निकालते हैं पहले।
अभी देखे फोन DFU में करंट आ रहा है या नहीं। बिना नैंड के DFU करंट ऑन चाहिए ना। ऐसे नैंड के साथ करंट इसका कुछ और, तो नैंड के बाद इसका करंट कुछ और बनना है। 100 तक जाता है इसका यानी DFU, देखते हैं कहाँ तक जा रहा है अभी। इससे क्या पता चलता है कि मैंने इन फोनों को इतनी बार रिपेयर कर रखा है कि मुझे ना इनके करंट तक के याद हो गए। इसमें कोई चीज नहीं है, आप भी बार बार करते रहोगे आपको भी याद हो जाएगा। ट्वेल्व में आप डायरेक्ट फॉर्मेट हुई भी नैंड डाल सकते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी फॉर्मेट हुई भी नैंड है। बताओ उसकी नैंड को मैंने फॉर्मेट क्यों नहीं मारा। हाँ, ताकि मेरे पास डाटा बचा रहे जैसे कभी भी। अगर मैं उसकी नैंड को फॉर्मेट मार दिया तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस फिर इसका डाटा निकाल लेगा। क्योंकि बार बार अभी फोन ना रिकवरी से फर्मवेयर चढ़ा तो रहा है, फर्मवेयर से एंटर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अभी नैंड के अंदर डाटा जा नहीं पा रहा, तो इसका मतलब पुराना डाटा भी नैंड के अंदर है। इसलिए मैंने उसे फॉर्मेट नहीं मारा, डायरेक्ट क्या कर दिया, दूसरी नैंड लगाई है, उस वाली को फॉर्मेट करके ट्राई नहीं किया। यानी अगर हम उसे कस्टमर को स्वैपिंग का भी खर्चा दें या स्वैप का ऑप्शन बताएं, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहना चाहिए कि नैंड जिंदा हुआ हमारे पास उस वक्त। लेकिन अगर आपने इस फोन के साथ उसे फ्लैश कर दिया, क्या कर दिया, इस फोन के साथ फ्लैश कर दिया, फिर आप सोच रहे हो वाली नैंड लगा के डाटा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उस फोन के साथ फिर से ये साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उस नैंड को निकाल के फिर फॉर्मेट करके फिर सिंक कराना पड़ेगा। अब ये जो नैंड हम लगा रहे हैं, मुझे पता नहीं है ठीक है या खराब है। बाकी एक फोन में मैंने लगा के देख रखी है जिसमें सेम एरर था, इसकी इस नैंड पे वही एरर बना। इसका मतलब क्या है कि नैंड की प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। नहीं, 12 में जब भी आप नैंड चेंज करेंगे तो उसमें आपको क्या फोन जो स्टार्ट करेगा वो DFU पे स्टार्ट करेगा, यानी डजंट मैटर फॉर्मेट हुई भी है दूसरे फोन की नैंड है। इसे DFU से बाहर निकलने के लिए आपको फ्लैश करना पड़ता है। या नैंड क्यों निकाली है, क्योंकि फ्लैश नहीं ले रहा था उस वक्त। डिस्प्ले अभी लगा के देखेंगे, पहले फोन आ जाए यहाँ पे एक बार, क्योंकि अभी प्रोग्रेस बार चल रहा होगा फोन पे। देखो फोन आ जाएगा यहाँ पर आगे भाई। अब ये कितना GB हो गया, लेकिन पता नहीं मैंने इसकी हार्ड डिस्क लगा के नहीं देखी यार अभी तक, देखूंगा अभी लगा के। पहले अभी हमें ये देखनी इसकी स्क्रीन आ रही या नहीं पहले, क्योंकि इसकी स्क्रीन भी नहीं आई यार। अरे अभी हम पहुंच गए कहां पर, हाँ फर्मवेयर करप्ट था जिसकी वजह से स्क्रीन भी नहीं दे रहा था वो।
सीरियल नंबर अपने आप आ गया इसके अंदर, मैंने डाला भी नहीं। अभी क्या नहीं आ रहा इसमें? क्यों? तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, आई सॉकेट में लगा के फिर से फ्लैश करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैं इसे फ्लैश करूंगा तो अनेबल टू एक्टिव आएगा। अगली वीडियो में सीखेंगे हम कि कैसे हम बेस बैंड सीपीयू को इसके साथ स्वैप करेंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।